कैसे नशा काले यरकान एड्स और कैंसर का सबब बन रहा है। हम जिंदगी से ज्यादा क्यों नशे से प्यार करते हैं। नशा हमको कहां से कहां पहुंचा रहा है हम सोच भी नहीं सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पेशल इन्वेस्टिगेशन और मैं हूं आमिर हबीब। नाज़रीन, नशा चाहे कोई सा भी हो बुरा ही होता है। नशा इंसान को कहां से कहां पहुंचा देता है ये हम सोच भी नहीं सकते। नशा इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। नशा चाहे सिगरेट का हो, शराब का हो, या ड्रग्स का हो, या किसी भी और चीज का, नशा नशा ही होता है। इंसान शुरू में तो नशा ये सोचकर करता है कि मैं इसको 2-3 दिन के बाद छोड़ दूंगा, लेकिन बाद में नशे की लत उसको ऐसे पड़ती है कि वो तो नशे को छोड़ना चाहता है लेकिन नशे ही उसको नहीं छोड़ता। इंसान को पता भी नहीं चलता कि कैसे नशे ने उसको अपने शिकंजे में जकड़ लिया है। अब इस शिकंजे से निकलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता है। नशा हमारे जिस्म को बीमारियों से भर देता है। यहाँ पर किसी एक बीमारी का नाम लेना, जैसे कि मेहदे का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, गुर्दों का कैंसर, ये दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि नशा जिस्मानी बीमारियों के साथ साथ हमारी रूह को भी छलनी कर देता है। आइए हम आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे ही लोग जिनको नशे की लत ने कहां से कहां पहुंचा दिया। इस लड़के की क्या जिंदगी थी और इसको नशे की लत कैसे पड़ी, जरा सुनिए। दोस्तों हस्ती खेलती जवानी थी, बचपना था, बस काम पे लगा, पढ़ाई में नहीं जहन था। होटल पे काम करता था, मेरे उस्ताद का जो बाप था वो पाउडर पीता था, निर्बाध नशा। आज इस लड़के की उम्र 24 बरस है। 10 बरस की उम्र से लेकर आज तक ये नशा कर रहा है। आज 14 साल हो गए इसको नशा करते हुए। 10 साल की अब मेरी 24 साल 14 साल। नाज़रीन, इस लड़के की वैसे तो कैसी हालत है आप देख ही रहे हैं, लेकिन इसके मुताबिक इसकी सेहत कैसी है जरा सुनिए। अब मैं इतना बीमार हो गया हूँ, इतना बीमार हो गया हूँ कि दिल ने सोचा कि यार नशा छोड़, हाँ नशा छोड़ने जा रहा हूँ हॉस्पिटल। तो जो नशे का हॉस्पिटल है ना, उन्होंने कहा जी हम इसको दाखिल तब करेंगे जब इसकी आप रिपोर्टें लेके आएंगे, इसके खून के टेस्ट करवाएंगे। मेरी वालदा ने खून के टेस्ट करवाए, दूसरे दिन रिपोर्टें आई, रिपोर्टों में 2 बीमारियां बहुत खतरनाक आ गई, एक काला सरकान और एक एड्स। जी नाज़रीन, आपने सुना कि इस लड़के को 2 ऐसी बीमारियां हैं जिन बीमारियों का नाम भी सुनकर इंसान को डर लग जाता है, काला यरकान और एड्स। इस लड़के की जिस्मानी हालत कैसी है जरा सुनिए इसी की ज़बानी। एड्स वो जिससे पांव गल जाते हैं नीचे से, देख सकते हैं। नाज़रीन, ये इन खतरनाक बीमारियों के साथ साथ हड्डियों का ढांचा बन चुका है। अब इसका नशे के मजे से मुतल्लिक क्या पैगाम है जरा सुनिए। इनके लिए यही पैगाम है कि ये मजा मौत से कम नहीं है, तो दोस्तों ये मजा मत लीजिए, ऐसे लोगों के साथ मत बैठिए, खास करके इंसान जैसे ये बीमारी किसी को लग जाती है ना, मुझे अब बीमारी है, मेरे साथ को बैठेगा 4 दिन खाएगा तो उसको बीमारी लग जाएगी। ये इसी तरह ही है कि ऐसे लोगों के साथ मत बैठे कि जो इस बीमारी में मुख्तला है, इस नशे में मुख्तला है, वो दोस्त नशा लगा देते। मेरे भाइयों, आपके लिए रिक्वेस्ट है, मैं हाथ जोड़ता हूँ, आज मैं मौत से लड़ रहा हूँ, ये नशा मत करना। आज इस लड़के को एहसास भी है और अपने किए का पछतावा भी। मुझे अफसोस ये नहीं है, मुझे पता है मैंने मरना है, मौत पर हाथ का, लेकिन अफसोस इस बात का लेके जाऊंगा कि मैंने अपनी माँ को धोखा दे देना है मौत में। मेरी माँ बहुत ज्यादा रोएगी, बहुत ज्यादा रोएगी मेरी माँ, और इस बड़ी जवानी में जो गलती कर बैठा। खास करके मेरे भाइयों को, दोस्तों को पैगाम है, यारों नशा ना कर। जी नाज़रीन, आपने इस लड़के की हालत देखी, इसकी कहानी सुनी। नाज़रीन, हम उन लड़कों से भी स्पेशल दरख्वास्त करते हैं
जो सिर्फ और सिर्फ सिगरेट पी रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि ये तो बड़ा मामूली सा नशा है। सिगरेट भी मामूली नशा नहीं है, बल्कि ये भी आपको दिन ब दिन मौत के करीब कर रहा है। मजीद प्रोग्राम के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और विजिट कीजिए public tv media.com।